जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, फिलहाल में FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से वैकेंसियां निकली हुई हैं और यहां पर अलग अलग पोस्ट कोड है, जैसे ABCDEFGH, और यहां पर हर पोस्ट कोड में अलग अलग वैकेंसियां हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इस वीडियो में बात करूँगा सबसे मेनली टॉपिक कि यहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपका वर्किंग टाइम क्या रहेगा, आपका काम क्या रहेगा और आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे। ठीक है, और ये है सैलरी स्लिप 2022 के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले एक बात बता दूँ प्यारे साथियों, यहाँ पर FCI में सबसे ज़्यादा अलाउंस मिलते हैं। मैंने अभी तक के बहुत सारे वैकेंसियों के सैलरी के वीडियो बना चुका, लेकिन सबसे ज़्यादा अलाउंस केवल इसी वैकेंसी में मिलते हैं। इससे ज़्यादा अलाउंस किसी नौकरी में नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे ढेर सारे अलाउंस मिलते हैं। या तो सबसे ज़्यादा अलाउंस मैं अब तक समझता था कि केवल रेलवे देता है, लेकिन रेलवे से भी कहीं गुना ज़्यादा अलाउंस मिलते हैं FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो आपको एक बहुत ही गजब की सैलरी मिलने वाली है, एक बहुत ही लाजवाब सैलरी मिलने वाली है यदि आप यहाँ पर लग जाते हैं तो। मैं उसके बारे में बिल्कुल फुल डिटेल से बात करने वाला हूँ। देखो, यहाँ पर ये सारे सारे अलाउंस की लिस्ट है। ठीक है ना, ये इतने सारे अलाउंस मिलते हैं यहाँ पर। हाँ, डिडक्शन भी होता है, लेकिन डिडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता, कुछ कुछ होता है जो आपको रिटर्नेबल होता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले फिलहाल में जो वैकेंसी है वो मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी है। तो आप मैनेजर बनेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे हिंदी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, टेक्निकल है, अकाउंट है, मूवमेंट है, डिपोर्ट है, जनरल है। तो आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो मैनेजर की है सारी सारी। आपको आपके अंडर में लोग काम करेंगे, आप मैनेजर बनेंगे। ठीक है, आपका मेन काम होगा संभालना किनको, लोगों को और काम को देखभाल करना। ठीक है, आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, तो ये तो रहेगा आपका काम, बिल्कुल एसी वाला काम रहेगा, ऑफिस वाला काम रहेगा आपका। हो सकता है फील्ड वर्क काम भी मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं होगा। आपके नीचे बहुत सारे वर्कर होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे जिनको आपको संभालना होगा, उनको आपको रेगुलर टारगेट देना होगा कि आपको ये काम करने हैं। ठीक है, वर्किंग टाइम वही 7-8 घंटे का आपका यहाँ पर वर्किंग टाइम रहेगा। और यदि कभी आपको एक्स्ट्रा काम करने का मौका मिलेगा, यदि आपसे कभी एक्स्ट्रा काम करवाया जाएगा तो उसकी आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, आपको उसका एक्स्ट्रा अलाउंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सैलरी है वो किस में मिलती है, IDA में मिलती है। IDA पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी मिलेगी आपको। और देखो, ये जितने भी ग्रेड हैं इन सभी का जो बेसिक पे है वो 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में है। ठीक है, तो आपकी मिनिमम सैलरी कितनी है, 40,000। ट्रेनिंग टाइम में, स्टार्टिंग में आपकी जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग ड्यूरेशन में आपको ओनली 40,000 रुपये मिलेंगे, आपको किसी तरीके का कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग आपके लगभग 6 महीने के आसपास की होगी। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपके बहुत सारे अलाउंसेज हैं जो आपकी सैलरी में एक्स्ट्रा जुड़ना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अब डिटेल से बात करता हूँ। देखो, यहाँ पर ये अलग अलग कोड हैं। ठीक है, पे स्केल है IDA पैटर्न के अकॉर्डिंग 40,000 से 1,40,000 के बीच में, चारों के चारों जोनों की हम बात कर रहे हैं। अब देखो, मैं डिटेल से बात करता हूँ। जो सैलरी स्लिप मैंने दिखाई थी उसी को मैंने यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखो, इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 40,000 रुपये है। कितनी है, 40,000 बेसिक सैलरी है। अब DA मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एम्प्लॉय होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 34% DA मिलेगा। तो 34% DA बेसिक पे का मिलेगा, तो 13,600 रुपये आपका DA हो गया। HRA तीन जोन में डिवाइड कर रखा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने HRA के मामले में पूरी इंडिया को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, X, Y और Z, 9%, 18% और 27%। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। ध्यान रखना, किसी के मन में ये साइकोलॉजी होगी कि यार ये परमानेंट नहीं है या फिर ये गवर्नमेंट नहीं है, भाई ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपका HRA 27% मान के चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा है। तो DA का जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका HRA मिलेगा आपको 27%, मतलब 10,800 रुपये। इसके अलावा आपको ड्राइवर अलाउंस मिलेगा 2,000 रुपये मंथली का। ठीक है, ये अलग से अलाउंस है जो हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि आपको वहाँ पर गाड़ी भी मिलेगी। ठीक है, ध्यान रहे, आपको वहाँ पर गाड़ी की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो 2,000 रुपये आपके मंथली ड्राइवर अलाउंस मिलेंगे। इसके अलावा हाउसकीपअप अलाउंस मिलेगा आपको 4,000 रुपये मंथली। हाउसकीपअप अलाउंस 4,000 रुपये मंथली। फैमिली मैन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलाउंस मिलेगा आपको 2,000 रुपये मंथली। इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा
2400 रुपये मंथली, और डोमेस्टिक असिस्टेंट्स अलाउंस मिलेगा आपको 2000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंस मिलने वाले हैं, जैसे डोमेस्टिक असिस्टेंट अलाउंस है, इंटरटेनमेंट अलाउंस है, डिस्ट्रीब्यूशन अलाउंस है, हाउसकीप अप अलाउंस है, और इसके अलावा ड्राइवर अलाउंस है। ये FCI के अलावा किसी और वैकेंसी में नहीं मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे सारे अलाउंस आपको मिलेंगे, और इन सभी अलाउंस को जोड़कर आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 76,800 रुपये। बेसिक सैलरी 40,000 थी, लेकिन सारे सारे अलाउंस को जोड़कर जो आपकी सैलरी थी वो जस्ट डबल हो गई 76,800 रुपये। ठीक है, आपकी ओवरऑल सैलरी तो इतनी रहेगी भाई, डिडक्शन होंगे तो वो आपके ऐसे थोड़ी ना कि परमानेंट सैलरी से कट गए, वो तो आपके एक्स्ट्रा हैं, जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तब मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी ओवरऑल सैलरी ये है। अब इसमें कुछ डिडक्शन होंगे, जैसे एम्प्लॉय पेंशन डिडक्शन 1,035 रुपये का होगा मंथली, CPF डिडक्शन, तो देखो CPF कटता है और जो वैकेंसियाँ होती हैं उनमें NPS कटता है, जो बेसिक सैलरी और DA का 10% होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका CPF कटेगा जो आपकी बेसिक सैलरी और DA दोनों का 12% कटता है, ठीक है। तो आपकी बेसिक सैलरी और आपका DA दोनों जितने जुड़ेंगे उसका 12% कटेगा CPF, मतलब 6,432 रुपये आपका CPF का कट जाएगा। मेडिकल हेल्थ स्कीम डिडक्शन होगा आपका 250 रुपये का, जिसके थ्रू आपको मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी आपको और आपकी फैमिली को, जिसमें आपकी और आपकी फैमिली का किसी भी CHC हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री इलाज रहेगा, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना इलाज करवाएंगे तो बिल्कुल फ्री रहेगा, आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक बेनुवेलेंट फंड रिकवरी के 30 रुपये कटेंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत आपके 70 रुपये कटेंगे। तो इस तरीके से ये कुल डिडक्शन होगा आपका प्यारे साथियों कितना, 7,817 रुपये आपके डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो नेट सैलरी इन हैंड आपके अकाउंट में कितनी ट्रांसफ़र की जाएगी मंथली, तो देखो आपकी ग्रोस सैलरी बन रही है 76,800 रुपये, या आपकी टोटल सैलरी है उनमें से डिडक्शन हो गया 7,817 रुपये का, तो आपकी नेट सैलरी बनी 68,983 रुपये। तो 68,983 रुपये ट्रेनिंग पीरियड आप ज्वाइनिंग लोगे, 6 महीने तक ट्रेनिंग चलेगी, उस दौरान आपको 40,000 रुपये मंथली सैलरी मिलेगी। जैसे आपका 7वां महीना स्टार्ट होगा, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और आपकी जो प्रॉपर वे में सैलरी है वो मिलना शुरू हो जाएगी, तो 7वें महीने की आपकी सैलरी रहेगी 68,983 रुपये। कितनी? 68,983 रुपये मंथली, और ये अगले 6 महीने तक मिलेगी आपको, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके बाद में आपका फिर जो बेसिक सैलरी है ना वो 3% बढ़ जाएगा, 40,000 का 3% निकाल लेना, फिर वो आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी, फिर सारे सारे अलाउंस बढ़ जाएंगे, आपका DA आपका 2-3% और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगी आपके 7वें महीने की सैलरी, तो आपकी एनुअल सैलरी बनेगी लगभग 8,27,796 रुपये पहले साल की सैलरी रहेगी, यदि आप FCI में लगते हो तो बहुत गजब का मौका है, इससे ज़्यादा सैलरी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। इंक्रीजमेंट बेसिक सैलरी में प्रत्येक साल 3% की बढ़ोतरी होगी, DA में 2 बार बढ़ोतरी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो आपका जो DA है वो साल में 3% से लेकर 6% के बीच में बढ़ेगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये रहेगा आपका सैलरी का बारे में, आपको 100% मोटिवेट किया होगा वीडियो, आपके अंदर मोटिवेशन आया होगा और पढ़ने का जज्बा आया होगा कि अब तो मेरे को जमकर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जमकर सैलरी मिलने वाली है आपको, ठीक है प्यारे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रहे, FCI वैकेंसी से रिलेटेड यदि कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी होता है फोरम से लेकर या किसी भी तरीके का, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट करूंगा, तो प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय।